Morning everyone, welcome to online classes. Today students, I am going to explain exercise 3.3. Student, exercise 3.3 का question number 1 हम लोग solve कर चुके हैं, ठीक है? Question number 2 देख रहे हैं, क्या बोल रहा है? Find the square root of the following numbers up to 2 and 3 decimal places, ठीक है? सबका square root find out करना है, कब तक? 2 और 3 decimal तक, ठीक है? तो students, हम लोग 55 का निकालते हैं. चलिए 55 हो गया. अब 55 से किसका स्क्वायर नीचे आता है? तो 7 का आता है. 7 जो 49, तो हम लोग यहाँ 7 लिखा और यहाँ भी 7, ठीक है? 7 जो 49 और ये मेरा रहा 7. अब स्टूडेंट्स, ये 7 को हम लोग क्या करते हैं? 7 14 करते हैं, ठीक है? ये 14 लिखा हम लोग, 7 और 7. अब स्टूडेंट्स, 55 माइनस 49 मेरा क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? तो 6 नोट कर दिया. अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग डेसिमल दिया. अब डेसिमल के बदले हम लोग 20 यहाँ पे लिखे, ठीक है? अब ये 14, अब हम कोई ऐसा डिजिट लेते हैं कि उसको ऊपर और नीचे यहाँ दोनों लिखते हैं. इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे मेरा 600 से कम है उसका, ठीक है? मल्टीप्लाई करने पे तो हम अगर 144 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ रहा है 576, जो क्या 600 से कम है, नियरेस्ट कम, ठीक है? अब क्या होगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 को 576 से, तो 24 आएगा. क्योंकि हम लोग डेसिमल ले चुके हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग 20 खुद से लिख सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड करेंगे, तो 4 4 8, ठीक है? 4 एंड 1. अब स्टूडेंट्स, हम लोग को ऐसा डिजिट लेना है कि जो इससे कम है. अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है? 2 लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 लिया, जो मेरा क्या आया, 1481. अब 2400 में 1481 माइनस करेंगे तो मेरा क्या होगा, 919, ठीक है? अब डेसिमल क्या है, क्योंकि फिर हम लोग 20 खुद से ले लिया. अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं, 1 1 2 8 4 और 1. अब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो मेरा आएगा 88956, माइनस करेंगे तो 2944, ठीक है? तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया, 7.416. ये 4 तो यहाँ आ गया, ये 1 मेरा यहाँ आ गया और ये 6 मेरा यहाँ हो गया. अब स्टूडेंट्स, हम लोग रूट अंडर 55 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7.416, ये 3 डेसिमल में हो गया, या फिर 7.416 को क्या, 1 इस 1 को हम लोग 4 2 लिख सकते हैं, ठीक है? 16 को, तो ये मेरा 2 डेसिमल, 2 और 3 में बोला था, ठीक है? हम लोग सिमिलर उसी प्रोसेस से क्या है, 15.76 का लिया, ठीक है? सबसे पहले 3 का स्क्वायर जो 15 से कम आया, सबसे पहले पेयर बनाते हैं हम लोग, तो 76 और 15 का पेयर बनाया. इसमें ऑलरेडी इसमें डेसिमल है स्टूडेंट, ठीक है? तो 3 3 9, यहाँ पे हम 3 लिखा और 9. अब माइनस करेंगे, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा 6 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे डेसिमल लिखा और ये 76 को यहाँ पे नोट कर दिया, तो 676 हो गया और ये 336. अब हमको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69, ये यहाँ पे 9 लिखेंगे तो ये 69 हो जाएगा और वही 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 621. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या होगा, 55, ठीक है? ये 6 यहाँ लिखा. अब 55 में 20 हम लोग खुद से नोट कर सकते क्योंकि डेसिमल आ चुका है. अब हम लोग क्या करेंगे कि 786 को, ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे. 9 9 18 18 का 1 8 1 रहा कैरी, 6 और 1 7, ये 78 हो गया. अब हम लोग देखेंगे कौन सा डिजिट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 5500 से नियरेस्ट है. तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट की 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 5500 के नियरेस्ट कम आ रहा है, ठीक है? हम लोग फिर नोट किया, सब्ट्रैक्ट किया तो फिर आया मेरा 784. अब 784 आया तो फिर हम 20 खुद से लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग 6 लिख चुके हैं. अब 7 9 2 9 इसको ऐड किया तो हमने मेरा क्या आया, 6 6 12 2 1, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे, ठीक है? अब इसको ऐड करेंगे. अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा कि 7 9 2 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 7 1 3 6 1. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 7 0 3 9, क्योंकि हमको 2 या 3 डेसिमल है ना, 2 और 3 डेसिमल, तो 3.969 आ गया मेरा,
ठीक है, 3 डेसिमल तक हम लोग पहुंच गए। हालांकि हम लोग इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में बोला जा चुका है, इसलिए 3.969 लिखा। या फिर हम 3.96 को अगर हम 7 लिख दें तो भी मेरा होगा 3.97, 69 को हम 70 भी लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि ये मेरा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए स्टूडेंट क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन का एक ले लिया, 3881 एक नंबर लिया, जिसका हमको क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है, 3881 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें कौन सा एक नंबर ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ये, जिसके बाद ये एक नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, 3881 पेयर बनाया, 81 का मेरा पेयर बना एंड 38 का पेयर बना, सेम प्रोसेस हम लोग किया, फाइनली मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 37। स्टूडेंट्स, अगर ये 37 नहीं होता, रिमाइंडर जीरो, दैट मीन्स कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यही कहते हैं ना हम लोग, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, जैसे 6 6 36, 4 4 9, 4 4 16, जो भी, तो 30 परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि रिमाइंडर जीरो होता है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमाइंडर 37 बच रहा मेरा, ठीक है, अगर 3881 में 37 माइनस कर देते तो मेरा क्या होता, 3844, ठीक है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 62 का, यानी 62 को 62 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3844 आएगा मेरा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3844 का स्क्वायर रूट 62, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है आपको, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 37, जिसको हम लोग इस नंबर पे है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बोला कि इस नंबर पे कौन सा एक ऐसा नंबर है जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 37 एक ऐसा नंबर है जिस पे हम लोग 3881 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आएगा मेरा क्या आया, 3844, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब स्टूडेंट सेम क्वेश्चन बोल रहा है, उसमें क्या बोला था कि कौन सा एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यही बोला कि अब बोल रहा कि कौन सा एक ऐसा नंबर है इसमें, यानी 8536 में हम लोग कोई एक ऐसा नंबर ऐड करें जिससे ये एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग करते हैं, पेयर बना लिया, अब 85 से नियरेस्ट क्या आ जाएगा, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, यही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 लिखा, और यहाँ पे 81, और यहाँ पे 9, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब ये 36 हम लोग नोट कर दिया, अब यहाँ पे ये 9 और 9 को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 18 होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 436 से कम आए, हम लोग क्या किया, 2 लिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे इससे नियरेस्ट कम आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 364 आया, अब मेरा रिमाइंडर क्या बच गया, 72, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस नंबर में 72 माइनस करना रहता तो हम लोग 72 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अगर इस नंबर 92, ठीक है, यहाँ पे 92 ध्यान दिए कि ये अगर 72 माइनस करते ये तो ये इस नंबर पे तो वो 92 का एक परफेक्ट स्क्वायर रहता। तो अब क्या है कि अब देख रहे हैं हम लोग, लिख सकते हैं हम लोग, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन एडेड टू 8536 gives a perfect square of 93, ठीक है, कोई भी नंबर में हम लोग ऐड करेंगे वो जो 93 का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं वो जो नंबर, मान लेट द नंबर भी x, ठीक है, तो x प्लस
8536 इज इक्वल टू क्या होगा 93 का स्क्वायर. तो अब हम लोग एक्स प्लस 8536 सॉरी 8 इज इक्वल टू अब 93 का स्क्वायर क्या होगा मेरा. ठीक तो सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू क्या है 113. यानी कि इस नंबर पे अगर 113 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा एक 93 का परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा हम लोगों को. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आप लोग सॉल्व कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे. थैंक यू.